Hi everyone, welcome back to my channel. तो आज के वीडियो में I will tell you guys that how you can go from this and then to this super duper glamorous. As you already know by the title, हम आज सीखेंगे कि आप विंग आई लाइनर विथ इनर कॉर्नर्स कैसे अप्लाई कर सकते हैं. सो लेट्स बिगिन. ओके, सो वी हैव थ्री काइंड ऑफ आई लाइनर्स अवेलेबल इन द मार्केट. सबसे पहला आता है इस टाइप का, जो कि बिल्कुल बेसिक आई लाइनर होता है. देन वी हैव दिस फेल्ट टिप आई लाइनर, जो कि बिल्कुल स्केच पेन की तरह दिखता है. एंड देन वी हैव दिस जेल आई लाइनर विच कम्स इन अ पॉट विद अ ब्रश. ये वाला जो आई लाइनर है थोड़ा सा प्रो लेवल का होता है, तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप बिगिनर हो तो प्लीज ये मत लेना. तो आज हम यूज करेंगे ये फेल्ट टिप आई लाइनर बिकॉज दिस इज द बेस्ट फॉर बिगिनर्स. तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैंने अपनी आईब्रोज को भी फिल कर लिया है एंड अपनी आईलिड्स के ऊपर कंसीलर और पाउडर भी अप्लाई कर लिया है ताकि एकदम क्लीन इफेक्ट आए. नाउ आई लाइनर अप्लाई करने का बेसिक स्टेप इज हाउ यू होल्ड द ब्रश. आप ब्रश को कैसे होल्ड करते हो, यू डोंट हैव टू होल्ड इट लाइक दिस, बिल्कुल पॉइंटेड तरीके से, और इस तरीके से भी आपको नहीं होल्ड करना है. यू जस्ट हैव टू फॉलो योर नेचुरल लैश लाइन. जो आपकी लैश लाइन है आपको उसी को ही फॉलो करना है. तो बेसिकली यहाँ पे ब्रश होल्ड करने के लिए आपको अपनी फिंगर्स और अपनी रिस्ट को भी मूव करना पड़ेगा ताकि आप अच्छे से अपनी लैश लाइन को फॉलो कर पाओ. तो दिस इज द बेस्ट वे टू स्टार्ट द आई लाइनर. सबसे पहले आपको मिड से स्टार्ट करना है एंड देन टेक इट टू द बैक. ऑल्सो द बेस्ट वे इज टू अप्लाई द आई लाइनर इन स्मॉल स्ट्रोक्स. नाउ आई एम going to apply towards my inner corner and then मैं दोनों lines को आपस में join कर दूंगी. और यहाँ पे I'm just finishing the line को बिल्कुल clean. So now let's start the wing eyeliner. You have to remember wing eyeliner is always the extension to your lower lash line. तो आपको अपनी lower lash line को follow करते हुए ही wing को apply करना है. So as you can see यहाँ पे मैं अपनी lower lash line को extend करते हुए अपना wing को apply करूंगी. You really want the tail of your wing to look thin. अगर आप उसको थिन दिखाना चाहते हो तो स्टार्ट विद द मिडल. आप मिडल से जैसे ही अपना विंग आईलाइनर को अप्लाई करोगे आपकी टेल नेचुरली ही थिन लगेगी. तो यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल बना लिया एंड नाउ आई एम गोना फिल अप द ट्रायंगल. एंड नाउ यू कैन सी कि ये वाला जो पॉइंट है बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं लग रहा है. कनेक्ट करने के लिए आई एम जस्ट गोना थिकन अप द आईलाइनर बिल्कुल थोड़ा सा. मैं उसको थोड़ा सा और थिक कर दूंगी ताकि एकदम कनेक्शन आ जाए और बिल्कुल ब्लेंड हो जाए. नाउ आई एम गोना अप्लाई सम मस्कारा ताकि मेरी आईलैशेस भी फुल लगे. मस्कारा के लिए आई एम यूजिंग दिस मेबेलिन हाइपर कर्ल मस्कारा. आई एम ऑल्सो गोइंग टू टाइट लाइन माई आईज विद दिस मेबेलिन काजल. सो दिस विल गिव मी अ नाइस फुलर आईलैश का लुक. Okay guys, so now let's take this eyeliner look to the next level. We will apply the inner corner extended eyeliner, जिसको हम Arabic eye look भी कहते हैं. Inner corner eyeliner apply करने में सबसे बड़ी mistake ये होती है कि हम हमेशा straight line को draw करते हैं. आपको अपनी upper lash line को follow करते हुए line को downwards apply करना है. आपको ऊपर की तरफ या फिर middle की तरफ नहीं लेके जाना है. So यहाँ पे मैं अपनी upper eyeliner और अपनी extended line में एक connection बना रही हूँ ताकि सब कुछ बिल्कुल सीमलेस लगे. एंड नाउ सिमिलरली आपको अपनी लोअर लैश लाइन में भी एक कनेक्शन बनाना है. सो आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई दिस इन द इनर कॉर्नर्स ऑफ माय लोअर लैश लाइन. सो नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज मैं थोड़ा सा अपनी आई को नीचे की तरफ पुल कर रही हूँ. एज यू कैन सी मैं थोड़ा सा इसको स्ट्रेच कर रही हूँ एंड स्ट्रेच करने के बाद मैं अपनी एक्सटेंडेड लाइन को और अपने इनर कॉर्नर वाली लाइन को मर्ज कर दूंगी ताकि बिल्कुल सीमलेस लगे और ब्लेंडेड लगे. तो बेसिकली यू कैन सी द शेप ऑफ माई आई लाइनर, इट इज लुकिंग लाइक एन एस. ये एस की तरह दिख रहा है. लास्टली आई एम जस्ट गोइंग टू टाइट लाइन माई आईज विद अ काजल. मैं अपनी लोअर लैश लाइन के ऊपर भी काजल अप्लाई करूंगी एंड मस्कारा अप्लाई करके आई एम जस्ट गोना फिनिश ऑफ दिस लुक. सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई रियली रियली होप कि आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और इस तरीके के आपको छोटे छोटे ट्यूटोरियल्स और चाहिए ना तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. आई विल लव टू क्रिएट इट फॉर यू गाइज एंड आई विल सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो. बाय.